हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मॉम। आज मैं आप सबके लिए एक होममेड सेरेलेक का रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि बहुत से लोग सर्च करते हैं कि घर पर सेरेलेक किस तरह से बनाएं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स से मैंने बात करके देखी है, सजेशंस लिए हैं, तो सबने मुझे सजेस्ट किया है कि बेबी के लिए बेस्ट होममेड सेरेलेक ही होता है। यानी कि अगर आप घर पर बनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा बाहर का लेने से ज़्यादा। और मेरी खुद की मदर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि मैं घर पर बनाकर अपने बेबी को सेरेलेक दूं, ताकि उसकी ग्रोथ एंड इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके और अच्छे से उसके बोन्स बन सके। तो मैंने सोचा कि जो मैं अपने बेबी को घर पर सेरेलेक बनाकर फीड करती हूँ, उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ। तो आज मैंने उसी के लिए आप सबको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया है। अभी हम जानते हैं कि किस तरह से हम घर पर होममेड सेरेलेक, या फिर आप इसे सेरेलेक पाउडर भी कह सकते हैं, बनाना जानते हैं। सो चलिए अभी हम जानते हैं कि कैसे क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं आप सब, मैंने यहाँ पर राइस ले ली है और मैंने मूंग दाल ली है। मूंग दाल इसलिए ली है क्योंकि सभी जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी लेंटिल्स होते हैं, सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट बेबीज़ के लिए सजेस्ट किया गया है तो वो है मूंग दाल, जिसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। सो चलिए अभी हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैंने एक कप, यानी कि एक कप भर के मैंने चावल राइस लिया है एंड मैंने 1/4 कप मूंग दाल ली है। अगर जिसके पास ये कप्स नहीं होंगे तो उनको आइडिया देने के लिए आप इस पर देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ भी है कि ये कितने टेबल स्पून है, आप उस हिसाब से भी इसे मेजर कर सकते हैं। ये हमने 1/4 कप, यानी कि एक मुट्ठी भी कह सकते हैं, जो कि हाथ से अगर मैं मेजरमेंट बताऊं तो ये आप एक मुट्ठी मूंग दाल ले सकते हैं एंड एक कप राइस आपको लेना होगा। अगर आपके पास छोटा सा बाउल हो तो वो बाउल से भी आप मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये मेजरिंग कप्स मंगाना चाहें तो ये आप इजीली मंगा सकते हैं। इसका ऐसा सेट आता है जिसमें स्पूंस एंड कप्स सब अवेलेबल होते हैं, आपको हेल्प हो जाती है इससे मेजर करने में, एक्यूरेट आपको मेजरमेंट्स मिलते हैं। ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने मूंग दाल ले ली है, ये राइस ले ली। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि पहले हमें इनको अच्छे से वॉश करना है, ताकि जो भी डस्ट वगैरह इसमें हो वो रिमूव हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम ये 1/4 कप मूंग दाल डालेंगे एंड 1 कप जो कि मैंने राइस कहा था वो डाल देंगे। हो गया, अभी हमने ये डाल दिया है, अभी हमें इसे वॉश करना है। तो चलिए वॉश कर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी मैंने इसको वॉश करना स्टार्ट कर दिया है। इसे आप 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर ले। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसे आपको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि इसे 2 घंटे के लिए आपको सोक करके रखना है। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपको इसे कवर करना है, इसे अच्छे से कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अभी आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा, मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है जिस पर मैंने चावल जो हमने वॉश करके 2 घंटे के लिए सोक करके रखे थे उसको मैंने अच्छे से कपड़े पर स्प्रेड कर दिया है। हमें ये ड्राई करना है मक्फल के कपड़े पर या फिर कॉटन के कपड़े पर। आप इसे ऐसे छोड़ दें, ये ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएंगे एंड ये जैसे ही ड्राई होंगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने एक पैन ले लिया है और जो हमने दाल और चावल को ड्राई होने के लिए, वो ड्राई होने के बाद आपको पैन हीट करना है, यानी कि नॉर्मल हीट पर आपको इसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको चावल एंड दाल इसमें ट्रांसफ़र कर देनी है एंड आपको एक स्पैचुला की मदद से इसे रोस्ट करना है, यानी कि आपको लाइट गोल्डन शेड जो आता है ना, हमें इसे बर्न नहीं करना है। अगर बर्न करेंगे तो फिर इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा ये सेरेलेक बनाने का, इसलिए बेहतर है कि आप इसे लो फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर रोस्ट करने लगेंगे तो आपकी जो मूंग दाल है वो जल जाएगी। तो अभी जानते हैं कुछ बेनिफिट्स इसके, जो हम अभी सेरेलेक बना रहे हैं। मैंने लो फ्लेम रख दिया है तो ये रोस्ट होते रहेगा। आप स्पैचुला चलाना ना भूलें बीच बीच में, ये आपको मैं रिकमेंड करूँगी। तो अभी जानते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। सो फ्रेंड्स, अभी जानते हैं इसके बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको राइस के बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। राइस बेबीज़ को 100% न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। राइस ऐसा
इंग्रेडिएंट है बेबीज के लिए जिससे बेबी की ग्रोथ फास्ट होने लगती है। कंप्लीट विटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस का आपके बेबी को ग्रोथ में एंड इवन इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी मिलती है। राइस आप 6 मंथ्स आपके बेबी के कंप्लीट होते हैं ना उसके बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले स्टार्ट मत करिएगा। तो राइस आप 6 मंथ्स जैसे ही बेबी के कंप्लीट होते हैं, 7th मंथ स्टार्ट होता है तब आप ये सेरेलेक देना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मूंग दाल के बेनिफिट्स जानेंगे। मूंग दाल एक रिच सोर्स है विटामिन्स का एंड प्रोटीन्स का। जब आप मूंग दाल अपने बच्चे को फीड करते हैं तो आपके बच्चे का जो वेट है वो अच्छे से इंक्रीज होता है, हाइट अच्छी ग्रो करेगी, बेबी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। तो ये आपको कुछ मैंने बेनिफिट्स बताए हैं राइस एंड मूंग दाल के। ये जब दोनों कंबाइन होते हैं तो एक बेस्ट चीज़ बेबीज़ के लिए रेडी होती है। एंड एक और बात, आप जब इसे घर पर बनाते हैं तो आप इसमें कुछ भी एक्सटर्नल प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करते। अगर आप मार्केट से लेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट आइटम्स भी ऐड होते हैं, बट वो बेबी के लिए उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बट स्टिल अगर घर पर बनाते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम सब चीज़ें रॉ यूज़ करते हैं, कुछ भी उसमें हम मिलावट नहीं करते। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ये आपके बेबी को दिन में एक टाइम भी देंगे तो काफ़ी होगा, आपके बेबी को कंप्लीट प्रोटीन्स मिल जाएंगे पर डे के हिसाब से। 1 स्पून आप फीड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊँगी कि ये कैसे बनता है, मतलब ये 2 टाइप्स का बनता है। आप एक इसे मिल्क में भी बना सकते हैं और एक आप इसे वाटर में भी बना सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके बनाकर बताऊंगी। तो ये 2 ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। आप इसमें दिन में एक बार बेबी को दे सकते हैं। अगर आपका बेबी 8th मंथ का हो गया हो, यानी कि 7 मंथ कंप्लीट हो गया हो, तो तब आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि बेबी को और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। यानी कि आप कैरेट इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इसमें कोई और वेजिटेबल ऐड करना हो तो आप वो भी बॉईल करके श्रेड करके इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी एक प्लस पॉइंट ही मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे प्रोसेस की तरफ जो हमने इसे ड्राई रोस्ट करने के लिए रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है, यानी कि थोड़ा सा आप दाल का भी कलर देख सकते हैं, बादामी होने लगा है। तो आपको बस इसे थोड़ा और रोस्ट करना है, देन उसके बाद आपको फ्लेम स्विच ऑफ करनी है, बर्न नहीं करना है हमें। बर्न करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका बनाने का। तो अभी इसे थोड़ी देर और रखते हैं, देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखिए हमने इसे मिक्सी में चला लिया है, यानी कि आपको इसे कम्प्लीटली जार में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड ग्राइंडर में इसे रोस्ट करे हुआ जो अपना दाल और चावल का मिक्सचर था उसे ग्राइंड करना होगा। ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर आपकी ग्राइंडर में ज़्यादा बारीक नहीं ग्राइंड हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना करके उसे आप एक छन्नी की मदद से छान लीजिए, ताकि जो भी उसमें लम्स वगैरह रहेंगे वो निकल जाएंगे। एंड आपके लिए एक फाइन पाउडर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह का पाउडर आपको रेडी करना है ताकि ये बेबीज़ के लिए परफेक्ट सेरेलेक के फॉर्म में बन जाए। एंड कलर आप लोग देख सकते हैं, इसका कलर एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा मीन्स आपकी दाल या चावल कुछ जल गए हैं या फिर ज़्यादा रोस्ट हो गए हैं, तो आपको ये शेड का ही पाउडर बनना चाहिए। एंड पाउडर बिल्कुल इस टाइप के टेक्सचर में होना चाहिए। अगर लम्स रह जाएंगे तो बेबी को फीड करने में आपको ही प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसी गलती ना करें। एंड ये आप काफ़ी ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, एवरीडे पर स्पून आप सर्व कर सकते हैं, जिससे आपके बेबी को कम्प्लीट न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये हमने कंटेनर में इसे फिल कर लिया है, इसमें आप स्पून रखना चाहे रख सकते हैं। एंड आपको इसे स्टोर करने के लिए एक बॉक्स में आप इसे डाल दें, चाहे वो स्टील का हो प्लास्टिक का हो, बट एयर टाइट होना चाहिए ताकि इसमें हवा ना जा सके। तो ये हमने पाउडर रेडी कर लिया। अभी हम जानते हैं कि इसकी रेसिपी कैसी बनाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बर्तन ले लें एंड आप गैस ऑन कर लें, देन आपको जो हमने सेरेलेक होममेड सेरेलेक बनाया है उसका 1 स्पून डालना है। 1 स्पून भरकर मैं इसमें डालूँगी, 1 स्पून भरकर इसमें आप डाल लें। डालने के बाद आपको इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मेजरिंग कप से मैंने 1/2 कप लिया है, ये आपको इसमें ऐड करना है। 1/2 कप हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया। आप जो भी मिल्क अपने बेबी को फीड कर रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क हो या ब्रेस्ट मिल्क हो, जो भी आप फीड करते हैं अपने बेबी को वो मिल्क आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे
ये इसमें अच्छे से कुक होगा, यानी कि ये जो लम्स इसमें बन रहे हैं वो सारे लम्स जाने चाहिए एंड एक ये आपको सरलेक के फॉर्म में मिल जाएगा जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा। अभी हमको इसमें बस स्पून से इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आपको इसे 6 to 7 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अभी आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगी, ये हमने इसे मिल्क में एक रेसिपी बनाई है। नेक्स्ट जो रेसिपी है वो आपको इसमें क्या करना है कि ये जो हाफ कप से मिल्क डाला गया था यही हाफ कप इसमें वाटर डालना है आपको, दैट्स ऑल। आप मेजर करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप्स ना हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ये कॉम्बो पैक। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ जहाँ से मैंने ये बाय किया है कप्स को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ये बाय कर सकते हैं बहुत रीजनेबल प्राइस में है, तो मैंने भी मंगाया है। ये हाफ कप से बस आप पानी डाल लें, पानी डालने के बाद आप इसे कुक कर लें। जैसे कि अभी मैं मिल्क डाल के कर रही हूँ तो दो डिफरेंट वेज में ये रेडी हो जाएगा। बहुत से लोग सॉल्ट डालते हैं बट सॉल्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बेबीज़ के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी सजेस्ट नहीं करते 1 year से पहले बेबी को सॉल्ट देना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए सॉल्ट ना डाले तो ही बेहतर है। बहुत से डॉक्टर से मैंने ऑलरेडी सजेशन भी लिया है कि सॉल्ट डालना ठीक रहेगा या नहीं, तो डॉक्टर्स ने मुझे सॉल्ट देने से मना ही किया है, इसलिए मैं सॉल्ट ऐड नहीं करती, ना ही मैं शुगर ऐड करती हूँ, बस मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। अभी ये ठीक होना स्टार्ट हुआ है, जब ये कुक हो जाएगा कम्प्लीटली मैं आपको देन इसका फाइनल रिजल्ट शो करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर रेडी हो गया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा आपको ये थिक बनाना है ना ही ज़्यादा आपको लिक्विड, ये टेक्सचर में हमें सरलेक बनाना है। अगर आपको और थोड़ा सा लूज़ बनाना हो, आपके बेबी को इतना थिक खाने की आदत नहीं हो, तो आप इसे थोड़ा जल्दी फ्लेम बंद कर सकते हैं, यानी कि 5 minutes में बंद कर सकते हैं। मेरे बेबी गर्ल 8 months स्टार्ट हो चुका है उसका, तो शी नोस नाउ के वो सॉलिड फूड को इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो वो इतना थिक खाती है, तो उसके हिसाब से मैंने ये रेडी किया है। तो ये है इसका फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसे कूल डाउन होने के लिए आप छोड़ दें, देन अपने बेबी को फीड करें। सो फ्रेंड्स, ये आपने देखा एक कम्प्लीट, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ रेसिपी दी है, यानी कि आप इसे घर पर इजीली बना पाएंगे, इजीली आप इसे अपने बेबी को फीड भी कर पाएंगे। ये बेसिक रेसिपी है फ्रेंड्स, जिसका भी बेबी 6 months का हो गया है वो इसे बनाकर खिला सकता है, बट ये आप कंप्लीट 6 months से लेके 1 year तक फीड कर सकते हो। बट इसमें बहुत से इम्प्रोवाइजेशंस आएंगे, यानी कि आप इसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अभी तो हमने बस मिल्क ऐड करके सिंपल वे में बनाया है, क्योंकि ये फर्स्ट फूड जब आप सॉलिड दे रहे हैं तो ऐसे ही देंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ भी ज़्यादा इसमें आप ऐड करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा बेबी के लिए। तो आप जैसे ही बेबी की एज बढ़ती जाएगी 7 months, 8 months, 9 months, तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें यानी कि थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग घी खिलाते भी है, बहुत से लोग नहीं खिलाते, आप उसे डिपेंड करता है बेबी की एज पर, एंड एज बढ़ते ही आप हर चीज़ से बेबी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाना अपने घर पर, अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करना जिसके भी पास न्यूबॉर्न बेबीज़ हो। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं आपको कुछ भी डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।